हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ मेलाकेयर ऑइंटमेंट के बारे में, जो आती है आपको अजंता कंपनी की, जो है आपकी 20 ग्राम की। तो इसकी एमआरपी आती है लगभग 180 रुपए की। तो जानेंगे इसके यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट, और किस तरीके से आपने इसका यूज़ करना है, किन किन यूजेज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक अगर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेलाकेयर कंपनी, जो है इसमें जो तीन सॉल्ट आपको मिलते हैं, एक है आपका हाइड्रोक्विनोन, एक है आपका ट्रीटिनोइन, एक है मोमिस्टोन क्रीम का। ये सॉल्ट तीन कम्बाइंड सॉल्ट में आता है। इस तरीके से आपका इसका क्वांटिटी दे रखी है और कुछ इंडक्शन दे रहे हैं, एक्सटर्नल यूज़ ओनली। तो बात करते हैं इसके, मेनली चलते हैं इसके यूज़ पे। तो यूज़ है आपका, जैसे आपका ये हाइड्रोक्विनोन है, उसके यूज़ अगर आप, मैं आपको सॉल्ट के हिसाब से यूज़ बताऊं, तो वो है आपका हाइपर मैग्नेटिस एंड मेलज़मा के उपचार के लिए किया जाता है। मतलब जैसे आपका यूज़ है, जैसे आपका ब्लीच या त्वचा के काले पैच को हल्का करने के लिए इसका यूज़ होता है। और ये आपका ट्रीटिनोइन जो साल्ट है आपका, ये यूज़ होता है एकन के लिए, जैसे आपके कील मुहान से, और जैसे एकन वगैरह ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, काले धब्बे होते हैं मुंह पे, और त्वचा को गोरा करता है, झाइयों के लिए होता है, और जैसे फेस पे जैसे हल्के हल्के छिद्र जैसे रहते हैं, तो और आदि, मतलब जैसे स्किन के उपचार के लिए यूज़ होता है। तो तीसरा सॉल्ट जो है आपका मोमिस्टोन, वो आता है आपका एलर्जी संबंधी विकार के लिए होता है, त्वचा संबंधी विकार के लिए, जैसे आंखों के नीचे काले धब्बे या काले काले घेरे होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, खुजली वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। तो जो और इसके बेसिकली यूज़ है आपका, ये है आपका, मतलब मेनली जो आपका यूज़ है इसका, ये है आपका हाइपर पिगमेंटेशन, जो मेन यूज़ होता है, और दूसरा है आपका त्वचा के रंग में बदलाव भी करता है, दमा के लिए भी होता है मेनली यूज़, सोरायसिस के लिए यूज़ होता है। सोरायसिस मतलब होता है त्वचा पर लाल चकत्ते होते हैं, और मानते हैं कि जैसे त्वचा पर लाल चकत्ते हो तो ये इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से होता है, और काफ़ी टाइम, मतलब एक ही बार होता है, ये कोई आम संक्रमण वगैरह नहीं है, ये एक ही बार लाइफ में होता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका सार्कोइडोसिस होता है, ये फेफड़ों, आँखों, त्वचा तथा सूजन कोशिकाएँ जैसे होती है, जैसे सूजन कोशिकाएँ हो तो इकट्ठी हो जाती है और एक गांठ के रूप में बन जाती है। फफोले के लिए यूज़ होता है, नाक का मांस बढ़ जाता है उसके लिए यूज़ होता है, और मुहांसे वगैरह के लिए यूज़ होता है मेनली। तो बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट जैसे आपका स्किन पर लाल दाने उठ सकते हैं, त्वचा पर जलन हो सकती है, त्वचा पर छाले पड़ सकते हैं, नीले रंग की त्वचा हो सकती है, त्वचा पर जलन पड़ सकती है, चुभन हो सकती है, सिरदर्द वगैरह हो सकता है, गले में खराश हो सकते हैं, खुजली वगैरह हो सकती है, बीपी वृद्धि हो सकती है, संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है, मुंह में छाले वगैरह हो सकते हैं, और रक्तस्राव हो सकता है। तो अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिएगा। वैसे ये आप इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं, और जो आपने इसमें सावधानियां रखनी है वो आपका, जैसे कोई गर्भवती महिला है उनको सावधानी से प्रयोग कराएं, स्तन वाले जिनका बच्चा दूध वगैरह पीता है तो उसके लिए यूज़ सही से करवाएं, और इन बीमारियों में आपने इसका यूज़ नहीं करना है। जैसे आपको एक्जिमा है, दमा है, चर्म रोग है, शुगर है, लीवर रोग है, टीवी है, संक्रमण है, तो आपको इन चीज़ों में खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, यूज़ करने का तरीका तो लगभग सभी को पता रहता है, नाइट में यूज़ करना है, आप इसको सनलाइट में यूज़ ना करिएगा। इसके अंदर आपको इस तरीके की होता है एक, ये आपको इसमें इंडक्शन दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो ये इस तरीके की ऑइंटमेंट आपको मिल जाती है। तो बेसिकली आपने इसका नाइट में यूज़ करना है, और सुबह वगैरह यूज़ मत करना है, क्योंकि स्किन के लाइट में आने से आपको ये खतरा हो सकता है। तो बेसिकली यूज़ यही थे इसके मेलाकेयर के, ब्लैक स्पॉट वगैरह के लिए बहुत बहुत अच्छा है, मुहांसे वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको, अगर आप झाइयाँ वगैरह रहते हैं, ब्लैक स्पॉट वगैरह रहते हैं, तो आप इसका ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।